बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद दुआ। जी आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जी आज मैं बना रही हूँ आलूओं के कटलेट्स, जो बहुत ही आसान है बनाना, बहुत इजी हैं। तो शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने हाफ के जी आलू लिए हैं और इन्हें उबाल के इनका छिलका रिमूव कर लिया है जी। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है और इसे मैंने भी चॉप कर लिया है, और धनिया लिया है इसे भी चॉप कर लिया है, और एक मैंने शिमला मिर्च लिए इसे भी चॉप कर लिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना लिया है इसे भी चॉप कर लिया है। 2 लीमू लिए हैं, ये हम खटाई के लिए यूज़ करेंगे जी। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये मैंने कुछ रेड कलर की हैं और कुछ ग्रीन कलर की, ये मैंने ब्रीक चॉप कर ली हैं, ये भी डालेंगे जी। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप ब्रेड क्रम्ब्स हैं, ये भी यूज़ करेंगे जी। तो यहाँ पे हमने आलू लिए हैं और यहाँ पे मैंने ग्रेट करूँगी इन आलूओं को, इस तरह से सारे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। तो ये आलू मैंने एक बॉल में डाल दूंगी, बॉल में ये देखें इस तरीके से ये सारे हमारे आ गए हैं जी। तो आप कुछ मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच ये ऐड कर दूंगी इसमें। 1/2 चम्मच हल्दी है मेरे पास, ये मैं ऐड कर दूंगी जी। तो यहाँ पे मेरे पास जीरा पाउडर है भुना हुआ और कुटा हुआ, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। 1 चम्मच नमक की ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च ऐड कर देंगे इसमें, 1 चम्मच चावलों का आटा ऐड कर दूंगी जी। तो इसमें मैं 3-4 चम्मच ब्रेड क्रम्स के ऐड कर दूंगी साथ ही ये मैं सब्जियां भी इसमें ऐड कर दूंगी, धनिया क्रश किया हुआ, शिमला मिर्च चॉप और पुदीना और प्याज, ये सब कुछ डाल देंगे इसमें जी। तो साथ ही लेमन का जूस भी ऐड कर देंगे इसमें दो मैंने नॉर्मल साइज के लिए थे लेमन जी। तो ये अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से मैश कर लेंगे और इनके कबाब बनाएंगे जी। तो ये देखिए मैंने सारा मिक्स कर दिया सब्जियों और कबाब, आलू और सब कुछ, और अब हम कबाब बनाएंगे जी। तो ये देखिए कबाब हमने बना लिए हैं, अब इन्हें फ्राई करेंगे जी। तो ये देखिए इस साइज़ का मैंने लिया है, इस साइज़ का मैं कबाब बनाऊंगी, ये देखें इस तरह से, ये देखें, ये देखें, ये देखिए इस साइज के बनाएंगे कबाब जी। तो यहाँ पे कबाब की कोटिंग के लिए मुझे चाहिए होगा 2 चम्मच मैदा, ये देखिए इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च इस तरह से, और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसकी पेस्ट बना लूंगी। तो ये देखिए बन गई पेस्ट हमारी जी। तो यहाँ देखिए पैन मैंने रख दिया चूल्हे पे स्लो फ्लेम पे, और यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर दूंगी इसमें थोड़ा सा गरम करेंगे जी। तो कबाब लेंगे एक और इसको ऐड करेंगे इसमें पेस्ट में, और साथ ही मैं इसमें ब्रेड क्रम में ऐड कर दूंगी, ये देखें इस तरह से, और सारे इस तरह से बना लूंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आज की जो हमारी रेसिपी है आलू के कटलेट्स जो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। आप रोटी के साथ खाएं या खाली कबाब शाम के वक्त बच्चों को दें या ख़ुद खाएं और चटनी के साथ बहुत ही लजीज बहुत ही मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।